हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जिंदगी एवरीडे पे। हाजिर हूँ मैं आप सबके बीच एक बार फिर से एक नई वीडियो लेके। आज एक काजल का रिव्यू करने वाली हूँ मैं। जी हाँ, ये काजल है की ब्यूटी का, ये ब्यूटीफुल सा काजल और बहुत ही सिंपल सोवर सी पैकेजिंग है इसकी। ये कैटरीना कैफ का ब्रांड है, तो जैसे कि वो सिंपल एंड सोवर है, ऐसे ही इनका काजल जो है वो उसकी पैकिंग भी बहुत ही सिंपल एंड सोवर है। एक स्टिक नॉर्मल सी जैसे काजल आती है वैसे आएगी, सिंपल सी ब्लैक कलर की स्टिक है एंड कुछ सिल्वर लाइनिंग्स दी गई हैं इसके ऊपर। एंड जहाँ तक बात है, ये 24 आवर्स लास्टिंग क्लेम के साथ आता है एंड स्मच प्रूफ बोला गया है इसको। और इसमें कैमोमाइल है जो कि आपके आँखों को हमेशा फ्रेश रखेगा, नरिश रखेगा। तो जहाँ तक बात है इसकी 24 आवर लास्टिंग की, तो मैं बता दूँ मैं इसको एक महीने से पिछले यूज़ कर रही हूँ। एंड जी हाँ, बिल्कुल सच है ये कि ये 24 आवर्स तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज नोबडी यू नो टेस्ट रियली फॉर 24 आवर्स, क्योंकि सोना भी होता है भाई सबको। तो हाँ, मैंने इसको सुबह लगाया था और रात में जब मैंने इसको वॉश किया तो ये एज इट इज़ वैसे ही था। दिन भर मैं बाहर भी गई, मैंने बहुत बार नॉर्मल पानी से फेस भी वॉश किया अपना, बट ये वैसे ही था जैसा सुबह मैंने लगाया था। तो इस क्लेम पे तो ये बिल्कुल खरा उतरता है। एंड जहाँ तक बात करें स्मच प्रूफ की, तो जी हाँ, ये स्मच प्रूफ है। अगर आप नॉर्मल कोई भी काजल लगाओगे और उसको आप, इनफैक्ट मैं बोलूँगी 5 घंटे के पे लगा के छोड़ दो ना, तो वो आपकी आंखों के अगल बगल का जो एरिया है उसको ना ब्लैकिश कर देता है, पूरा स्मज हो जाता है, बहुत ही बुरा लगता है देखने में। एंड यू हैव टू यू नो रीअप्लाई दैट काजल, आपको पहले से क्लीन करना होता है फिर आपको लगाना होता है। बट इस ब्यूटी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा क्लेम पे खरा उतरता है अपने। मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ, मैंने अप्लाई किया हुआ है ये काजल अपने यू नो आंखों पे, और ये देखिए कहीं अगर आपको दिखे तो मुझे बताइए। तो ये बिल्कुल स्मच प्रूफ है, बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है। और एक और चीज़, आपने शायद कभी एक्सपीरियंस किया हो, मैंने तो किया है, नॉर्मल काजल जो होते हैं उनकी जो टिप होती है ऐसी ही होती है, और वो भी ऐसे ही स्टिक ऐसे आती है बाहर, बट वो ना ये जो ये टिप होती है जब इसको आप अप्लाई करोगे अपने टियर लाइन पे रख के, तो ये टूटने का डर रहता है और बहुत से बार टूट भी जाती है जब आप इसको एक दो बार स्ट्रोक करोगे। बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसकी जो सबसे खूबी एक और है वो ये है, ग्लिट्स वेरी वेल, इतने अच्छे से ग्लिट होता है। आप एक बार इसको अपने यू नो टियर लाइन पे रख के स्ट्रोक करो और आपको वो गहरा काला रंग एक्चुअली इससे मिलेगा। तो मैं तो भाई फैन हो गई हूं। और ये 249 या 245 समथिंग का आता है, और इस प्राइस में ऐसा काजल जो कि 24 आवर्स, जिसकी यू नो स्टे पार है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड स्मच प्रूफ है, कैमोमाइल है, स्टील डील, मतलब सोचो ही मत आप इसको लेने से पहले। गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट ब्लाइंडली। और इनफैक्ट नायका पे अभी आउट ऑफ स्टॉक भी चल रहा है, तो बिल्कुल आपकी किट में होना इज़ लाइक मस्ट। जो बड़े बड़े ब्रांड्स के काजल होते हैं ना, उनके टक्कर का है भाई ये काजल। तो प्लीज़ इसको बिना सोचे आप खरीदिए। ये मेरा कुछ व्यू था इस ब्यूटीफुल से काजल पे जो मैं यूज़ करती हूँ। मैंने सोचा मुझे आप सबके साथ भी शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए एंड लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप यूज़ करते हो तो आपको कैसा लगता है वो भी शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी ब्यूटीफुल, बी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।